एक बॉम है, अगर इनिशियली रेस्ट में है, कितने भी पीसेस क्यों नहीं हो गए, तो जो पीस हुए, बम फटा, तो जो पीसेस हुए वो इनका इंटरनल फोर्सेस था। तो जो सेंटर ऑफ मास जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो सेंटर ऑफ मास है, वो कहीं नहीं जाएगा यार, वो वहीं रहेगा। से अगर मैं इस बम को फोड़ दूं, तो ये यही मतलब इस तरह से पार्टिकल मूव करते हैं कि इनका नेट मोमेंटम जीरो हो जाता है। देखो बम था और वो एक्चुअली एक्सप्लोजन की वजह से, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से अगर वो फूट गया, तो इस तरह से, हाँ इस तरह से हुआ कि ये सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में था, तो इनिशियली रेस्ट में ही रहेगा। अब मूव करता है, तो मूव करने के बाद अब सेंटर ऑफ मास मूव करने लगेगा, जो हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे कि किस तरह से सेंटर ऑफ मास मूव करता है पैराबोलिक पाथ। अभी आप ये समझ लो कि अगर एक बॉम है वो रेस्ट में है, तो अगर इसके बहुत सारे पीसेस हुए, तो इस तरह से पीसेस होंगे कि इनका मोमेंटम जीरो होगा। मतलब थोड़ा और मैं डिटेल में समझाऊँ कि अगर ये बॉम है, अगर इसके दो पीस होंगे तो एक पीस इधर जाएगा, तो दूसरे को इधर जाना पड़ेगा यार, समझना। अब भाई अगर बम है, सिर्फ दो पीस हुए, तो इनिशियली मोमेंटम जीरो था, तो फाइनली मोमेंटम जीरो होने के लिए मोमेंटम P1 और P2 इक्वल एंड अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी तो फाइनल मोमेंटम जीरो होगा, आया समझ में। और सेंटर ऑफ मास इनके जाने के बाद भी यही रहेगा यार, जहां पहले था, ठीक है। अगर मान लो इस बम के तीन पीस हुए, तो ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, और एक पीस इधर जा रहा और एक पीस इधर जा रहा, तो तीसरा वाला पीस किधर जाएगा, तो इनका एक मोमेंटम, एक पार्ट का मोमेंटम P1 है, दूसरे का P2 है, तो इनका जो वेक्टर रिजल्टेंट है वो इधर जा रहा है, ठीक है, पी जो कि थीटा डिग्री पर है, तो जो तीसरा वाला पीस है, इस बम का जो तीसरा वाला पीस है, वो इधर की डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा भाई, अदरवाइज फिजिक्स का मोमेंटम कंजर्वेशन ही गलत हो जाएगा भाई। मोमेंटम इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू फाइनली, तो इनिशियल बम रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, बम फूट भी जाएगा वहीं रहेगा, और जितने भी पार्टिकल बनेंगे, हजारों पार्टिकल इस तरह से मूव करेंगे कि उनका नेट वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ द मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू